हेलो स्टूडेंट्स, तो पहले वीडियो में ए और एंड इस आर्टिकल के बारे में मतलब पढ़ा। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तीसरा आर्टिकल द के बारे में। ओके, तो द आर्टिकल जो है उसे हमने देखा है, उसे हमने कहा है डेफिनेट आर्टिकल। अब उसे डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा गया है ये अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ए और एंड इसके जो रूल्स है वो फिक्स नहीं है, इसलिए उन्हें कहा गया था इनडेफिनेट। लेकिन द के बारे में जो हम सोचते हैं तो द जो है वो डेफिनेट है, उसके रूल्स जो है उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, तो देखो अभी हम द के बारे में एक एक रूल अभी देखने वाले हैं। तो द हमें कहां कहां पे यूज करना है। ओके, तो पहला रूल है नदियों के नाम से पहले हम द आर्टिकल यूज करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर्स वी यूज आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द गोदावरी, द यमुना, द नाइल। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी नदी है, कौन से कंट्री में बहती है, कौन से भी नदी का नाम आ जाए तो उससे पहले हमें द ही आर्टिकल जो है यूज करना है। ओके, सेकेंड है पर्वतों के नाम से पहले, बिफोर द नेम्स ऑफ द माउंटन्स। ओके, तो उसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट। तो जैसे मैंने बोला कि पर्वत कौन सा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन सा भी पर्वत का नाम आ जाए, इसमें सह्याद्री आ सकता है तो द सह्याद्री कहेंगे, द विंध्य कहेंगे, तो कौन से भी पर्वत रहेंगे उनके नाम से पहले द ही आएगा। ये रूल जो है वो डेफिनेट है, इसलिए द हम डेफिनेट मतलब उसे कहते हैं। उसके बाद दिशाओं के नाम से पहले, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। तो जैसे हम जानते हैं मेन डायरेक्शंस जो है द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कौन सी भी मतलब डायरेक्शन हो उसके नाम से पहले क्या आने वाला है, द आर्टिकल आने वाला है। उसके बाद महाकाव्यों के नाम से पहले, बिफोर द नेम्स ऑफ द इपिक्स। ओके, तो हमारे इंडिया के बारे में अगर सोचा जाए तो दो इपिक्स हमारे इंडिया में मतलब फेमस है, पहला है द रामायण और दूसरा है जो द महाभारत। ओके, तो महाकाव्य कौन से भी हो, इपिक्स कौन से भी हो, उनके नाम से पहले आने वाला है द आर्टिकल। उसके बाद ग्रंथों के नाम से पहले द आर्टिकल हम यूज करेंगे। तो ग्रंथ कौन से भी हो सकते हैं, द भगवद गीता दिया है, द बाइबल दिया है, द दासबोध दिया है, द पुराण हो सकता है। ओके, तो कौन से भी ग्रंथ रहेंगे तो उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल यूज करने वाले हैं। उसके बाद सिक्स वन है क्रमवाचक संख्या विशेषण से पहले। अब कुछ क्रमवाचक संख्या विशेषण होते हैं, देखो जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो क्रमवाचक संख्या विशेषण है उसके नाम से पहले मतलब उससे पहले हम द ही यूज करेंगे, जो वहां पे ए या एंड नहीं आ सकता है। ओके, उसके बाद सूर्य कुंड में देखने वाले जो वस्तुएं हैं उनके नाम से पहले हम क्या करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे। जो भी मतलब सूर्य कुंड है तो सूर्य कुंड में क्या क्या दिखता है हमें, तो उसमें होता है द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ, द मिल्की वे। ये जो दिखते हैं हमें सूर्य कुंड में वस्तुएं उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल यूज करेंगे। उसके बाद समुद्र के नाम से पहले, समुद्र मतलब इसमें सी नहीं आएगा, सी, ओशन ये सब आएंगे, तो उसका एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन भी है, उनके नाम से पहले हमें द यूज करना है। ओके, नाइंथ वन है दुनिया में कभी कभी देखो वर्ल्ड में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी वास्तुएं भी है कि जो एक ही है, उनके जैसा कोई नहीं, मतलब वो एक ही है। तो ऐसे एक ही जो वस्तुएं हैं वर्ल्ड में उनके नाम से पहले हम द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि ताजमहल एक ही है, ओके, आगरा में, तो उस एक ही है इसके कारण उससे पहले आएगा द ताजमहल। रेड फोर्ट एक ही है तो उससे पहले आएगा द। व्हाइट हाउस एक ही है उससे पहले आएगा द। चाइना वॉल एक ही है उससे पहले आएगा द। तो उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक ही है तो उससे पहले द आएगा। तो एक ही वस्तु जो वर्ल्ड में एक ही है उसके नाम से पहले हम द यूज करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं डिग्री के तीन टाइप्स है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है उस सुपरलेटिव डिग्री में हम विशेषण का
तीसरा मतलब रूप जो है वो यूज करते हैं. वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री. तो थर्ड फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव है उससे पहले द आने वाला है. फॉर एग्जाम्पल द स्मॉलेस्ट, द बेस्ट, द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट. ओके, ये जो वर्ड है उनके नाम से पहले द ही आने वाला है. तो ये जो सब 10 के 10 जो रूल है, देखो यहां पे कुछ बोला मैंने कि यहां पे जो मतलब इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उनके नाम से पहले द ही आएगा. कौन सी भी नदी हो, कौन सा भी पर्वत हो, कौन सी भी दिशा हो, महाकाव्य हो, ग्रंथ हो, क्रमवाचक संख्या विशेषण हो, सूर्यकुल हो, समुद्र हो, या दुनिया में जो एक में मतलब जो वस्तुएं हैं, सुपरलेटिव डिग्री का जो थर्ड फॉर्म है उससे पहले हम द ही यूज करेंगे. और वो काउंटेबल हो या काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो कुछ भी हो सकता है. देखो ए एंड के बारे में एक बात कहना मैं भूल गया था. ए और एंड जब हम यूज करते हैं जो कॉमन नाउन रहता है ना वो काउंटेबल होना चाहिए. ओके, लेकिन द के बारे में ऐसा नहीं है. द के बारे में कॉमन नाउन जो है वो काउंटेबल भी हो सकता है या फिर अनकाउंटेबल भी हो सकता है. तो आई होप कि आपको आर्टिकल ये जो पॉइंट है वो समझ में आया होगा. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले भी वीडियो में जो मतलब व्हाइट बोर्ड पे जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसे आपको लिख लेना है. देख के वहां पे आप पॉज कर सकते हैं वीडियो. और यहाँ पे भी जो द के बारे में जो भी रूल्स यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिए है वो भी आपको लिख लेने हैं. थैंक यू. तो एक वीडियो में सुना था.